नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दृष्टि चैनल में स्वागत करता हूं। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाएं ताकि हमारे भी जितने भी नए वीडियो मैं अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप गूगल ड्राइव में आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपना कैसे रख सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट आप कैसे रख सकते हैं अपने गूगल ड्राइव में। आप जीमेल अकाउंट बनाए हुए हैं और आपको गूगल ड्राइव में फ़ोटोज रखने नहीं आते या अपने डॉक्यूमेंट्स रखने नहीं आते, तो हम आपको बता देते हैं कि कैसे आप इसमें डॉक्यूमेंट रख सकते हैं और इसकी कुछ सेटिंग्स के बारे में बताता हूँ। आप इसमें सबसे पहले ओपन करिए, ये गूगल ड्राइव नाम का ड्राइव होता है। ये जैसे ही आप इस गूगल ड्राइव को ओपन करेंगे या जीमेल में भी जाके आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट ओपन कर दिया है। आप ड्राइव नाम से इसे ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं कि जीमेल ड्राइव है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये प्लस जो साइन नीचे नीले कलर में दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करिए। मैंने बहुत सारे यहाँ पे रखा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये देखिए, मैंने बहुत सारे वीडियोज रखे हैं, फ़ोटोज रखे हैं अपने, और गूगल फोटोज भी है। ऐसा नहीं है कि मेरे फ़ोटोज नहीं है, बहुत सारे ड्राइव भी मैंने बना रखे हैं। ये प्लस साइन से आप यहाँ पे फोल्डर बना सकते हैं। देखिए, ये फोल्डर का आप नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने दे दिया है टाटा और फिर ओके कर दिया है तो ये एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा मेरा। ये देखिए, टाटा नाम से फोल्डर, इसके अंदर कुछ अभी नहीं रखा है। ठीक, अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स रखना, तो ये प्लस के साइन में अपलोड करना पड़ता है। तो आप ये यहाँ पे आप जो भी डॉक्यूमेंट रखे होंगे या रखना चाहते होंगे तो आप उस डॉक्यूमेंट्स को आसानी से रख सकते हैं। जैसे मैंने ये रखना है, ये सेकंड वाले ऑप्शन को, तो अलाउ कर दीजिए और इसके बाद ये आपको ये वेटिंग फॉर वाईफाई, मतलब इसको नेट चाहिए और नेट के थ्रू ये डाउनलोड होगा और इसके बाद ये आपको यहीं पे शो हो जाएगा 1.6 MB का है और ये इस जिस स्पीड से डाउनलोड हो रहा है तो हो ही जाएगा जल्दी ही। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ इसमें आप जितने भी डॉक्यूमेंट रखना चाहते हैं वो सारे रख सकते हैं और प्लस करके आप इसमें से गूगल डॉक्यूमेंट्स, गूगल शीट्स, गूगल साइट्स स्कैन भी करा सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं फोल्डर्स जो भी आपको पसंद हो। ये देखिए, मैंने इसे रख दिया है। अब इसे हमें कभी भी ज़रूरत होगी, कहीं भी ज़रूरत होगी तो मैं इसे निकाल सकता हूँ। तो दोस्तों, इसमें आपको यही सब सेटिंग करनी पड़ेगी। इसमें डिटेल सिलेक्ट ऑल सिलेक्ट सॉर्ट वाई ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। गूगल ड्राइव की ये कुछ सेटिंग्स हैं जिसमें आप अपने फ़ोटोज लगा सकते हैं, आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। ट्रैश सेटिंग्स, आप इसमें 15 GB तक रख सकते हैं। दोस्तों, ये देखिए 15 GB यूज करने दिया है, मैंने 8.7 GB तक यूज कर रखा है। और इसमें बहुत सारे ऐसे फाइल्स रख सकते हैं या डाटा रख सकते हैं जो आपको कभी भविष्य में काम करेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों, ताकि आपको इस तरह की नई नई जानकारियाँ आपको मिले सबसे पहले।